या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे में कभी भी जब आप पैसे शुरू में पेड कर देते हैं, फिर उसके बाद ना आपको बोलेगा कि आप और आदमी को जोड़, शुरू में ही आपका साइकोलॉजी वो समझ जाता है कि ये फ्रॉड होने वाला है या नहीं होने वाला। ये पबजी में तो होता है यूसी होता है ना, ये फ्री फायर में क्या होता है डायमंड। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होगे। ये हमारा अवेयरनेस सीरीज का आई थिंक ये फोर्थ वीडियो है जो अवेयरनेस वाला हमारा वीडियो था। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने सोचा कि आई थिंक इसको लोकल में ना सब जगह करेंगे, तो ये हमारा फोर्थ वीडियो है। और आज जो है चलेंगे भवानीपुर एरिया में। तो भवानीपुर एक विलेज है मेरी ही विलेज से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में। तो मतलब आई मीन इंटरेस्टिंग डे रहेगा। बहुत टाइम बाद ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा मंथली। तो पक्का मतलब मंथ में एक तो रहेगा आराम से, बट अभी मैं ये सेकेंड वीक है और मैं सेकेंड वीक में ही जा रहा हूँ क्योंकि बड्डो भैया ने मतलब फ़ोन किया, तो मतलब चलेंगे साथ में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं और जय ब्रदर लालू ब्रदर, देखिए हम आ चुके हैं। और ये देखिए इन्होंने जो येलो कलर का पहना है, काफ़ी हॉट लग रहे हैं। तो नहीं मेरा तो नहीं नहीं ऐसा है ये नहीं। तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, जैसे मूवी अनऑफिशियल डब होता है ना मूवी में, तो आप मुझे उसका एक्टिंग करके दिखाइए। एक ही आदमी ने 5 आदमी को डब कर देता है, तो वो आप मुझे करके बताइए। हे जय ब्रदर, मैंने आपको बोला था उधर नहीं जाने के लिए, फिर दूसरा साउंड। हे जय नहीं, हे जय मैंने बोला था उधर नहीं जाने के लिए। नहीं अब और तीसरा ऑप्टिमस। हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कितना देर पहले आया, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? इधर से ही चलिएगा, ऐसे मुड़ के चलिएगा। अच्छा ओ ओके अच्छा, ड्रॉप करना है क्या? हाँ हाँ चलिए चलिए फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे रहिए, कॉर्नर कॉर्नर पे रहिए, कॉर्नर पे थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे बस। और हाँ हम याद है उस टाइम का भी ब्लॉग है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से था वो जो अथी किए थे ना, मतलब मेंटेनेंस जो हम वहाँ पे बात किए थे कि डिसिप्लिन बहुत ही मतलब अच्छा है स्कूल वही मध्य विद्यालय हम भी गए। खैर अभी इसी दौरान में इधर से जाते वक्त थोड़ा एक ये बाडो भैया के नानी घर पे आ गए, इनको कुछ था यहाँ पे कुछ प्रसाद एंड ऑल अदर वर्क था। हाँ स्पेशल जगह पे आए हैं। यहाँ पे मैं आया था लगभग कितने साल, 3 या 3.5 साल पहले मैं आया था। ये है मध्य विद्यालय मानिकपुर, ऐसे मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अभी यहाँ पे ना एक स्पेशल बात हुई है कि मतलब मुझे याद है जब मैं पहले भी आया था ना यहाँ पे, तो स्कूल में जो डिसिप्लिन जो बच्चों में बात कर लें वो डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे तरीके से था। तो इसमें जो सर थे ना उनका नाम श्री सर है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। शुरू में भी तो वो हमें दिखाई था, पुराना वीडियो देखोगे ना तो उसमें भी पता चल जाएगा। तो उस सर को ना एक राजकीय स्कूल में अवार्ड, लगभग पूरे बिहार में जो करोड़ों की आबादी है उसमें 41 टीचर को मतलब 41 टीचर को उसमें अवार्ड मिला था। तो उनमें से एक सर ये थे, मतलब मेरे ही एरिया के लोकल में जो मानिकपुर गांव है जिला लखीसराय में, यहाँ से उनको वो मिला था। तो उनसे हम मिलने के लिए आए हैं, मतलब बड़ भैया और मैं सब। हाय सर,
और आपको जो वो मिला 41 टीचर को, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, हम लोग आज सर को सम्मानित करने आए हैं, हमारे साथ हैं गणेश जी। मुख्य उद्देश्य है कि पूरे बिहार में 41 शिक्षकों को चयनित किया गया है उनके अच्छे कार्यों को लेकर के। उसमें से बड़े गौरव की बात है मानिकपुर के लिए, सुजयधार के लिए और लखीसराय के लिए, इस सर का चयन उस 41 टीचर में हुआ है। और ये राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित हुए हैं सर। सर को सम्मान शिक्षा मंत्री बिहार सरकार की तरफ से मिला है, तो हम सबों के लिए गर्व की बात है। हम सर को सम्मानित कर रहे हैं कि इनका हौसला बढ़ाएं ताकि हमारे क्षेत्र में और भी अच्छे अच्छे कार्य करें। विद्यालय की विधि व्यवस्था, पठन पाठन और अनुशासन का जो इन्होंने एक तरीके की उदाहरण पेश किया, सम्मान करना चाहता हूँ। सुजगढ़ा क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। और सर से पहले से भी मैं परिचित हूँ, कभी उस तरह से मुलाकात नहीं हो पाई, मगर ये एक ऐसा समय है, लगता है कि नहीं सर ने कुछ ऐसा किया है, स्कूल के साथ साथ नेक दिल इंसान भी है। और जो सम्मान मिला है ये पूरी तरीके से देखा जाता है प्रखंड वाइज, वीडियो रिपोर्टिंग करते हैं, सीओ रिपोर्टिंग करते हैं, स्कूल के जो बीओ हैं, डीओ हैं, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं, शिक्षक का पूरा डाटा तैयार होता है, तब ये जाता है, तब चयन प्रक्रिया होती है। बड़ी बात है और गर्व की बात है। और मैं चाहूंगा कि आप सर इसी तरीके से बच्चों की सेवा, मेरे साइड से भी आपको बहुत बहुत बधाई क्षेत्र में ले जाएंगे जी। अच्छा, मेरे एक दो प्रश्न, जैसे टोटल राजकीय स्कूल 8 क्लास तक होता है ना? हाँ, तो टोटल कितने होंगे पूरे बिहार में, अंदाजा, एवरेज, एक्यूरेट नहीं तो एवरेज भी? अच्छा, इंक्लूडेड हाई स्कूल इसमें है, 10% तक का दोनों को मिलता है। तो समेकित मिलता है, तो अंदाजा फिर भी 1,000, 2,000, 5,000 जो आप कंसल हो रहे हैं, 76,000 स्कूल, इट्स ग्रेट थिंग। 76,000 स्कूल में स्टेट लेवल में, और फिर 76,000 स्कूल में आप उतने सारे टीचर के बीच में 41 टीचर में आप भी उसमें एक बयालीस, तो वाओ कितनी ये बड़ी बात है। So, ये है मध्य विद्यालय डिग्री भवानी प्रचार, दोनों विलेज का यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब सही है। और कुछ बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं, वो देखिए। अच्छा, खाना वगैरह चल रहा है, तो ये देखिए, हाय एवरीवन, कैसा है खाना? वाह, मैं भी खा लूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बस 25 तारीख के बाद। अच्छा, वाह, आपको कांग्रेट्स फ्यूचर के लिए, एडवांस, या एडवांस है। दांत के बारे में समझने के लिए, क्योंकि मैं एक दंत चिकित्सक हूँ, डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, दांत के डॉक्टर आए सुने आप लोग, तो विद्यार्थी जीवन में आप लोगों को दांत एवं मुंह संबंधित कोई पीड़ा नहीं हो, उसके लिए आपको क्या अपने जीवन में बदलाव लाना है, क्या ऐसा रख रखाव रखना है, क्या ऐसा खान पान में बदलाव रखना है जिससे कि आप हेल्दी रहें, इन विषयों पे बात होगी। बताएं संतुलित आहार, विद्यार्थी जीवन में क्या ऐसा खान पान का सेवन करना चाहिए जिससे आप हेल्दी रहें, क्योंकि आजकल टाइप्स ऑफ फूड इतने चेंजेस हो गए हैं, फास्ट फूड। हाय सबको, पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार, वैसे संदीप संडोला भी बोलते हैं, और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 साल से मैं यूट्यूब में काम करता हूँ, मतलब कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, कैटेगरी मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इन सब के रिलेटेड। समटाइम व्लॉग भी मैं बनाता हूँ, उसके लिए मेरा अलग चैनल है। बट आज जो यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे, वो करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, ऑनलाइन धोखाधड़ी। साइबर क्राइम के धोखाधड़ी के प्रकार बहुत सारे हैं,
तो मैंने कुछ 5 ऐसे मैंने लिख के रखे हैं नोट करके कि उस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। तो क्रोम ब्राउजर में बिल्कुल भी कोई भी सस्पिशियस लिंक को ओपन नहीं करना है, उसको कॉपी करके दूसरा ब्राउजर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में ना हजारों ब्राउजर हैं, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ब्रेव ब्राउजर है, बहुत सारे हैं, कोई भी डाउनलोड करके उसमें लिंक को ओपन करिए। चलिए ठीक है, ये लिंक वाला स्पेशली जो यंग लोग हैं स्पेशली ये उसके लिए था। ओके, ऐसा होता है। तो ऐसे में कभी भी जब आप पैसे शुरू में पेड कर देते हैं फिर उसके बाद ना आपको बोलेगा कि आप और आदमी को जोड़ो, और आप एक थोड़ा बोलने वाले हैं ना तो आपको बोलेगा कि आप अपने फैमिली में देख लीजिए, या उसको बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, और आप भी बोलोगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, शुरू में आपको कुछ दिखेगा नहीं, और भी आप फैमिली में अपने बता दोगे। और ये कन्वेंस करने की ही चीज़ होती है MLM मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कन्वेंस करके दूसरों को ज्वाइन करवाना। इससे कमाता है पैसा बड़ा जो कंपनी होता है वो कमाता है, बट इसमें बर्बाद होते हैं सब। तो कभी भी आपको बोले ना कि घर बैठे पैसे कमाइए, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। कभी भी ये घर बैठे पैसे कमाई नहीं होता, टारगेट उन्होंने किया लूडो ऐप को बना करके, लूडो ऐप पे ना, और क्योंकि लड़कियां उसी में इंटरेस्टेड रहेगी तो उनको लूटने के लिए ना मस्त से उपाय किया है। तो कभी भी ये लूडो ऐप या फैंटेसी, ये ड्रीम इलेवन जो भी है ना, मैं उसके बारे में एक मस्त साइकोलॉजिकल चीज़ में बताता हूँ। हाँ, समय बर्बाद हो रहा है और ये आपको एडिक्शन लग रहा है, और इसी में ना एडिक्शन में बहुत लोगों को कंट्रोल नहीं होता है, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। 100 में से 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो कि इसमें ना अपना क्वांटिटी कॉन्टेस्ट किया। थैंक यू। पैसा कमाने की बात आई, ठीक है, सबसे पहले तो आप उन सब चीज़ों पर भी ध्यान मत दीजिए, गेम खेलने में, पबजी खेलने में, जो भी गेम्स है नाम तो नहीं। आप कुछ समय दें, यही रिक्वेस्ट है सर। ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तो इन चीज़ों को लेकर के सर को आश्वस्त करता हूँ कि जब कभी भी फील सर से बात होगी कि स्कूल में आकर के कुछ इस तरह के कार्यक्रम करें तो मेरी उपस्थिति रहेगी। और मैं फिर संदीप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि और अपग्रेडेशन कर करके, क्योंकि चीज़ें ना बहुत बढ़ते रहती है। साइबर फ्रॉड एक छोटा सा वर्ड है बट इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हम लोगों को कई कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत अवेयर लोग हूँ, तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं छोटा सा बता देता हूँ साइबर फ्रॉड कैसा कैसा होता है। अभी एक ना जमीन का अभी सर्वे चल रहा था, तो मेरे पापा के नंबर पर आया, संजोग से मैं उठा लिया कि सर आपका जो दिए थे ना कागज, जो एक्चुअली मैंने CO साहब से सब कुछ करवा दिया है, बस फाइनल टच है, आपका 1100 रुपये मात्र लगेगा और आप इस पर भेज दें गूगल पे पे, ठीक है सारी चीज़ें। और ऐसा एक्टिंग करता है कि जानबूझ के सुना रहता है, हटो गेट पर से, हटो CO साहब आ रहे हैं, मतलब उसको ये लग रहा था कि पक्का ये CO ऑफिस से बोल रहा है। बट मैं एक बहुत ही अवेयर आदमी हूँ, तो मैं तो फंसूंगा नहीं, यही अगर साधारण व्यक्ति रहेगा तो 1100 भेज देगा, ठीक है। तो मैं कर्मचारी को फ़ोन किया कि भाई वहाँ से मुझे कोई पैसे के लिए बोला, नहीं सर। फिर मैं तुरंत उसको कॉल बैक किया, वो समझ गया कि ऐसा आदमी अवेयर है, और फिर जो मुझे लिंक भेजा था QR कोड की सर इस पर 1100 रुपये भेज दें, उसको भी फटाक से डिलीट कर लिया कि उसके थ्रू मैं अभी पता कर लेता कि कौन सा आदमी है। तो यहाँ पे जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था काफ़ी अच्छे तरीके से हमने वो किया, अच्छा लगा सबसे बात करके और बेहतर रहा। और जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे जो पंकज सर थे, तो इनसे तो हम पहले भी मिल ही चुके थे, तो ठीक है सर, इन फ्यूचर में भी मिलते हैं। सर आपका नाम? अजय कुमार। अजय कुमार के, फिर मिलते हैं फ्यूचर में कभी फिर। ओके।